हाय गाइस, आज हम बात करेंगे वर्लपूल इंडिया लिमिटेड की। वर्लपूल के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट आते ही रहते हैं, होम अप्लायंसेस में भी एंटर कर चुका है। ये 18% डाउन हुआ, इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, इसके चार्ट एनालिसिस, बाइंग लेवल और टारगेट के बारे में बात करेंगे। वर्लपूल की शुरुआत 1960 में हुई थी। एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 27,000 से भी ज़्यादा है। ये मेनली रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव में काम करती है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स निकाल चुके हैं। इस तरह के स्टॉक होते हैं जो हमेशा ही ग्रो करते रहते हैं और प्रॉफिट देते रहते हैं, क्योंकि इनके पास काफ़ी सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं और ज़रूरत के हिसाब से ये उन्हें लॉन्च करते रहते हैं, मार्केट में लाते रहते हैं, जिससे इनका प्रॉफिट बैलेंस बना रहता है। इनके प्रोडक्ट्स में मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इनका बिजनेस अमेजिंग है। इन प्रोडक्ट्स की डिमांड अभी होम अप्लायंसेस में सबसे ज़्यादा है। मार्केट कैप अभी देखा हमने, 27,000 से ज़्यादा है, जो बहुत ही अच्छा है। डिविडेंड यील्ड का 0.23 है। हम 1 से ऊपर के डिविडेंड यील्ड को बहुत अच्छा मानते हैं, इसका मतलब है डिविडेंड इसका बहुत लो है। इंडस्ट्री पी की बात करेंगे तो 84.52 है, जो हमें इंडस्ट्री से थोड़ी महंगे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, जो 91 का है। प्राइस टू बुक रेशियो इसका 10.72 है, जो बहुत अच्छा है। इसके अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 23.4 है। इसकी ROCE की बात करें तो ये 24.09 की है, जो बहुत ही अच्छी है। मतलब करेंट में भी इतनी ज़्यादा है, इट मींस कोविड का जो इम्पैक्ट है उसके बावजूद ROCE बहुत अच्छी है। इसके करेंट रेशियो की बात करें तो 2.09 है, जो बहुत ही अमेजिंग है। हम 1 के ऊपर बहुत अच्छी करेंट रेशियो मानते हैं। ग्राफ्स में बात करें तो 1 मंथ से इसने 1% से ज़्यादा की गिरावट दिखाई है। अगर हम इसके जनवरी से ग्राफ देखें तो उसने 18% से ज़्यादा गिरावट दिखाई। इसका सेंसेक्स 3.05% है। इसका अभी तक जनवरी से सबसे लो 2000 से ज़्यादा का है और सबसे हाई इसका 2682 का है। अगर हम इसके 1 ईयर के चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसने 11.57% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। बाकी सब स्टॉक अभी भागते हुए नज़र दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जनवरी से लगातार गिरता ही जा रहा है। ये अभी बिल्कुल भी ग्रो नहीं किया है, तो ये अपॉर्चुनिटी है इसको बाय करने का। अगर इसके 5 ईयर के चार्ट पैटर्न की बात करें तो उसने 187% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। इसका सबसे हाई 2787 है। फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो रेवेन्यू की बात करें तो 2017 में रेवेन्यू 4.85 करोड़ था और 2020 में इसका रेवेन्यू 7.41 है, जो बहुत ही अमेजिंग है। अगर प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ है, जो अभी 2020 में 0.49 है। शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ही कंसिस्टेंट है। प्रमोटर होल्डिंग 75% की है। प्रमोटर ने इतनी ज़्यादा होल्डिंग अपने पास रखी है, इससे इनकी अथॉरिटी और कॉन्फिडेंस नज़र आता है। अगर इसके FII की होल्डिंग की बात की जाए तो 3.38% की है। पब्लिक होल्डिंग भी 10% से ज़्यादा की है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की बात करें तो ये इंटरेस्ट वैल्यू से करेंट प्राइसेस की कहीं ज़्यादा है। ये FD से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देता है। डिविडेंड यील्ड का 0.23 है, जो एट्रैक्टिव नहीं है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो ये अभी गुड टाइम है इसको कंसीडर करने का, क्योंकि अभी स्टॉक ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, इसमें कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। चार्ट्स में एनालिसिस की बात करें तो MACD लाइन अभी जीरो लाइन के नीचे दिख रही है। हिस्टोग्राम भी अभी नेगेटिव सो रहे हैं। RSI भी अभी 42 की है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि 50 के नीचे बेरिश जोन होता है, ये बहुत वीक शो हो रहे हैं। अगर हम वन डे के चार्ट की बात करेंगे तो स्टॉक कई बार 200 डे EMA के का सपोर्ट ले चुका है, लेकिन अभी उसे ब्रेक करके उसके लोअर साइड में ट्रेड कर रहा है। इसे एज अ रेजिस्टेंस भी फेस कर चुका है। अगर पेवर सपोर्ट की बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग पेवर सपोर्ट 2080 और 2013 पर दिखाई दे रहे हैं। अगर बाइंग लेवल की बात करें तो 2030 पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 1 वीक के चार्ट पैटर्न को देखें तो स्टॉक आपको 100 EMA पर सपोर्ट लेता नज़र आ रहा है और अभी उसके पास ही ट्रेड कर रहा है। लास्ट डे ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो इसने 55% से ज़्यादा की डिलीवरीज़ की हैं। हम 25% से डिलीवरीज़ को बहुत अच्छा मानते हैं। इसने 25 से कहीं ज़्यादा 55% की डिलीवरीज़ की हैं, जो बहुत ही अमेजिंग है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब करें शेयर मार्केट विद CK। बाय बाय।